सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का माहात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी की महिमा बताने को कहा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना और इस एकादशी के माहात्म्य की कथा के श्रवण मात्र से ही किसी भी व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से कई पवित्र तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के पुण्य से भी हजारों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से गोदान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस पावन तिथि पर घी अथवा तेल से जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा उपासना करता है उसे देह त्याग करने पर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज के सेवक छू भी नहीं पाते हैं। कामिका एकादशी की कथा के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि एक गांव में एक ठाकुर रहता था जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया और क्रोधवश ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपराध और पाप से मुक्ति के लिए ठाकुर ने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करने का प्रयास किया, परंतु दूसरे ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा नहीं दी और ब्रह्म हत्या का दोष उस ठाकुर पर लग गया। इसी पाप को साथ लेकर वह जीता रहा और कुछ समय बाद उसे एक मुनि मिले जिनसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय उस ठाकुर ने पूछा। मुनि ने ठाकुर को बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उस मुनि के बताए अनुसार ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। स्वप्न में भगवान श्री हरि ने उस ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र को कामिका एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। कामिका एकादशी के दिन घी का दीपक जलाकर तुलसी महारानी को अर्पित कर प्रणाम करने से जो पुण्य मिलता है उसका हिसाब रखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं, और साथ ही भगवान विष्णु के श्री चरणों में तुलसी दल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या एवं ब्रह्म हत्या करने जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करता है उसके पितर स्वर्ग लोक में विराजमान होकर अमृत पान करते हैं। तो आप सब भी कामिका एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। पूरे दिन केवल जलाहार एवं फलाहार ग्रहण करें। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन और नाम जप में लगाएं। दूसरों की निंदा नकारात्मक विचारों और मन को भटकाने वाले कार्यों से बचें। आप सबको कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा।